करेंगे तो क्या करेंगे, किससे ऑफसेट करेंगे, करंट ईयर में किससे ऑफसेट करेंगे, कैरी बैक में किससे ऑफसेट करेंगे, जहां कैलकुलेशन पॉसिबल है वहां पर आप बता दें कि इतना लॉस पीछे जाके कैरी बैक हो सकता है। ठीक है? इंग्लिश में सर? नहीं, पंजाबी के अंदर। और तुम मेमन तो नहीं हो? मेमन हो तो मेमनी जबान में भी कर सकते हो। नहीं नहीं सर। चले जी आगे बढ़े। तो ये हमारा लॉस वाला पोर्शन हो गया डन, लॉस वाला पार्ट हो गया हमारा डन। करंट ईयर कैरी बैक कौन कौन से मेथड है, पॉसिबल ऑप्शंस, करंट ईयर कैरी बैक, कैरी फॉरवर्ड, स्पेशल ओपनिंग ईयर, टर्मिनल लॉस और सारी कंडीशंस, पार्शियल ऑफसेटिंग, डेट, वेट, ये अच्छी तरह से तुम लोगों को इसमें से निपटाना। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 नंबर का सवाल सेक्शन सी में, लाइकली चांस कि 15 नंबर का सवाल आएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम। देखो पहली डिस्कशन जो हमारी हुई थी ना, सबसे पहली वाली डिस्कशन जो हुई थी ना, सबसे सबसे स्टार्ट वाली, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नॉन सेविंग इनकम होती है, सेविंग इनकम होती है, डिविडेंड इनकम होती है, याद आया? तो एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या है, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इनकम? एम्प्लॉयमेंट इनकम किसको कहते हैं? सैलरी इनकम। सैलरी इनकम यस सर, जो मतलब एम्प्लॉयमेंट से जो जो आपकी इनकम आ रही, बोनस वगैरह, शेयर जो भी। सही है। और बंद कर दे भाई, इधर उधर उंगलियां मारो, कहीं ना कहीं से तो बंद ही हो जाएगा। देख रही है भाई, 24 करोड़ आवाम तुम्हें। वीडियो ऑन कर दी। देखिए एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर ना आपके वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपना आपका एम्प्लॉयर दे रहा होता है। सैलरी, गरीब लोगों को सिर्फ सैलरी मिलती है, उसके अलावा आपको बोनस मिलता है, आपको कार दी जाती है, फ्यूल दिया जाता है, घर दिया जाता है। सही है? मोबाइल फोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया। आजकल सब घर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ने लैपटॉप्स दिए हमें यूज करने के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है क्या सर, कि हम किस किस चीज पे टैक्स लगाएंगे और किस किस चीज पे टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या हर चीज पे टैक्स लगेगा? क्या कुछ इनकम एग्जेम्प्ट तो नहीं है? तो इसको हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि आपकी जो भी इनकम है जो एम्प्लॉयमेंट से जनरेट हो रही है, उसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं। एक है आपकी टैक्सेबल इनकम जिस पर टैक्स लगेगा, और दूसरी है आपकी एग्जेम्प्ट इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसको सिंपली आप कहेंगे भाई ये माफ है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे, रूल्स रट्टा मारने पड़ेंगे कि कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। सही है? क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम की एक लंबी लिस्ट है, जैसे पहला मोबाइल फोन, फर्स्ट मोबाइल फोन हमेशा एग्जेम्प्ट है। अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोबाइल फोन देता है तो पहला मोबाइल फोन जो है ना यूज करने के लिए, पहला मोबाइल फोन चाहे कोई सा भी हो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर दो मोबाइल फोन मिलते हैं तो दूसरे मोबाइल फोन पे टैक्स लगेगा। इस तरह हमें एग्जेम्प्ट की एक लिस्ट है, थोड़ी देर के बाद हम उस एग्जेम्प्ट की लिस्ट पे बात करेंगे। जो टैक्सेबल इनकम है वो दो तरह की होती है। सही है? यानी कि एक कैश बेनिफिट से रिलेटेड टैक्सेबल इनकम होती है, जो बेनिफिट्स कैश में मिलते हैं, और एक होते हैं नॉन कैश बेनिफिट्स। ये फर्क समझ में आता है, नॉन कैश और कैश बेनिफिट्स का क्या फर्क है? यस सर। एक वो जो आपके हाथ में करेंसी में आता है, जैसे सैलरी आ गई, बोनस आ गया। सही है? और एक वो होता है जो आपके पास इन टर्म्स ऑफ इन काइंड होता है, जैसे आपको गाड़ी दे दी, आपको ड्राइवर दे दिया, आपको लिविंग अकोमोडेशन दे दी, आपको लैपटॉप यूज करने के लिए दे दिया, सो एंड सो ऑन। सो हमारे पास तीन तरह की चीजें हो गई, कैश बेनिफिट हो गया, नॉन कैश बेनिफिट्स हो गया, और वो इनकम हो गई जो एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में से आती है। ठीक है?
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखें, एक मैं आपको प्रोफॉर्मा बता रहा हूं, अगर कंप्लीट इंप्लॉयमेंट का सवाल प्रोफॉर्मा बना के करना हो तो पहले इंप्लॉयमेंट इनकम निकाली जाएगी, ठीक है। और उसको निकालने के लिए हम ले लेंगे ऑल टाइप्स ऑफ इनकम जो कि हमारी टैक्सेबल होती है। सैलरी आ गई, आपके पास बोनस आ गया, अगर कोई कमीशन है तो आपके पास कमीशन इनकम आ गई, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अदर कैश बेनिफिट्स आ गए, इसके अलावा आपके रीइंबर्स्ड बेनिफिट्स आ गए, वो एक्सपेंस जो आपने किए और टैक्स अथॉरिटी ने आपको रीइंबर्स कर दिए, और उसके बाद आपके पास आ गए कैश वाउचर्स। क्या आप ये वाउचर्स रखें और कैश ले लें, ये आ गई आपकी इनकम। उस इनकम में से अगर ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट कोई ऐसे एक्सपेंस इनकर्ड हुए जो कि उसकी जॉब के लिए जरूरी थे, तो वो अलाउबल एक्सपेंसेस यहां से माइनस कर दिए जाएंगे। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउबल होते हैं। अलाउबल एक्सपेंसेस के अंदर जो कि नॉर्मली हमारे पास एक कैटेगरी आएगी, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, वो आपने उठाकर इसमें से माइनस कर दिए। उसके बाद जो आंसर आएगा, दिस इज कॉल्ड योर एम्प्लॉयमेंट इनकम। और ये एम्प्लॉयमेंट इनकम टैक्सेबल होगी एज नॉन सेविंग इनकम, और फिर इसमें से पीए माइनस किया जाएगा, और उसके बाद टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी, और इस तरह से पूरा प्रोसेस होगा। अब हम चलते हैं इसके बेसिस ऑफ असेसमेंट के ऊपर कि टैक्स लगेगा कैसे, किस बेसिस पर लगेगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम की जो बेसिस ऑफ असेसमेंट है, सही है, वो होती है रिसीट बेसिस, यानी कि आपकी टैक्स ईयर के अंदर आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, जो आपको 6 अप्रैल 19 से 5 अप्रैल 19 के दरमियान जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसको हम टैक्स करेंगे। क्योंकि अभी ट्रेडिंग प्रॉफिट तो है नहीं, जो अकाउंटिंग ईयर अलग होगा और टैक्स ईयर अलग होगा, तो आपको जो टैक्स ईयर के दरमियान बेनिफिट्स मिलेंगे ना, वो रिसीट बेसिस के ऊपर हम कवर करेंगे। सही है, जो डेट ऑफ रिसीट होगी आपकी वो हम लेंगे इज द अर्लियर ऑफ या तो एक्चुअल पेमेंट रिसीव हो चुकी होगी टैक्स ईयर के अंदर, जैसे किसी को सैलरी मिली तो सैलरी मिल गई, सही है, या फिर इंटाइटलमेंट क्रिएट हो गई होगी। तो अगर किसी बेनिफिट की एक्चुअल पेमेंट मिल गई या उसकी इंटाइटलमेंट क्रिएट हो गई, सो डेट ऑफ रिसीप्ट क्या होगी, अर्लियर ऑफ। जैसे अगर इंटाइटलमेंट मिल गई और पेमेंट नहीं मिली तब भी उसको बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा, और अगर एक्चुअल पेमेंट हो गई फिर तो ऑब्वियसली वो टैक्स ईयर में फॉल हो जाएगा। मसलन अगर आपका जो इंटाइटलमेंट है वो क्रिएट हुआ 6 अप्रैल 2020 को, तो इसका मतलब है वो फिर 19-20 की इनकम नहीं होगी, फिर वो कहाँ की इनकम होगी, वो 20-21 की इनकम में जाएगी। इसलिए डेट ऑफ इंटाइटलमेंट और डेट ऑफ रिसीव विच एवर इज अर्लियर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट खास तौर पे कहाँ अप्लाई होगा, जब बोनस मिलता है। जी भाई, सर मैं पूछ रहा था ये एंटाइटलमेंट मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो गया, डिलीवर हो गया, बस पेमेंट नहीं हुई ना, ये ऑर्डर कहाँ से आया यहाँ पर? या एंटाइटलमेंट का मतलब है भाई, तुम्हें मैंने तुम्हें कहा कि परफॉर्मेंस देना तुम्हें बोनस मिलेगा, तुमने परफॉर्मेंस दे दी, टारगेट मीट कर लिया, अब बोनस तुम्हें अगले साल मिला, तो इंटाइटलमेंट का मतलब है आपने टारगेट मीट कर लिया बोनस का। अच्छा सही है, इंटाइटलमेंट का मतलब है कोई भी बेनिफिट के लिए जो टारगेट दिया गया था, जो ड्यूरेशन दिया गया था, वो ड्यूरेशन आपने मीट कर लिया, अब आप इंतजार करें पेमेंट कब होती। सही है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं, इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स की टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट है वो है कार का, कि अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को एक कार दे रहा है यूज करने के लिए, कार के बेनिफिट्स हमने कैपिटल अलाउंस में भी पढ़े थे, कार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टैक्स पेपर।
तो जो बेनिफिट्स हैं हमारे पास एम्प्लॉयमेंट्स के बेनिफिट, उसमें कुछ बेनिफिट्स के ऊपर जनरल रूल लगता है और कुछ बेनिफिट्स के ऊपर स्पेसिफिक रूल्स लगते हैं, और हर बेनिफिट के स्पेसिफिक रूल्स अलग से हमें पढ़ने हैं कि स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं और जनरल रूल्स क्या हैं। देखो जनरल रूल्स क्या हैं कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देता है और आपको उसके कोई रूल नहीं पता, आपको नहीं पता कि यार उसका टैक्सेबल बेनिफिट क्या होगा, तो बड़ा आसान सा तरीका है, क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर सेम। ये कब अप्लाई होगा? जब आपके पास, कब अप्लाई होगा? जब आपके पास अल्टीमेटली, या मेरे पास ना चैट का ऑप्शन जरा खुल नहीं रहा ना, आप डायरेक्ट सवाल मुझसे पूछ लें ज्यादा अच्छा है। एक सेकंड, खुल गया। एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड, सर मुझे नहीं किया हुआ अलाउ, क्या हुआ भाई? तुम्हारे, तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं तुम्हारे अलाउ में क्या मुसीबत आ रही है कि वो अनम्यूट हो नहीं रहा। तुमने शायद अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ की हुई है। मेरी तरफ से फुल मैं अलाउ करने की कोशिश कर रहा हूँ, दो बंदों को, दो तीन बंदे हैं, वो नहीं हो पा रहे। व्हाट कैन आई डू? अभी मैंने, मेरे पास लिखा हुआ रहा है ऑल पार्टिसिपेंट्स आर अनम्यूटेड। सही है, तुतुबा हो गया तुम्हारा। ये एक आ रहा है इन्फिनिक्स, इन्फिनिक्स X603। ये अभी भी पता नहीं कौन है भाई। चलें जी आगे बढ़े। तो देखो ये जो जर्नल रूल हम अप्लाई करेंगे ना, ये उस वक्त तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक हमें स्पेसिफिक रूल पता ना हो। अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज दूं, अगर एम्प्लॉयर आपको कोई ऐसी चीज दे जिसका स्पेसिफिक रूल आपको ना पढ़ाया गया हो एग्जाम में, आप कहें तो बताया नहीं सर ने, तो फिर आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? फिर आप जर्नल रूल अप्लाई करेंगे। एंड व्हाट इज जर्नल रूल? जैसे आजकल का जमाना चल रहा है ना, आजकल का जमाना चल रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने आपको एक प्रोटेक्टिव ड्रेस दे दिया कि भाई आपके घर वालों के लिए ये इस्तेमाल करें, तो अब उसका कोई स्पेसिफिक रूल तो है ही नहीं। तो हम कहेंगे यार जो एम्प्लॉयर ने दिया है इसकी कॉस्ट एम्प्लॉयर को क्या पड़ी? $10,000। जो कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ेगी वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा पूरा। सही है। अब स्पेसिफिक रूल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कार बेनिफिट्स जो मेन बेनिफिट्स हैं, सारे अपने आपको अनम्यूट कर लें क्योंकि सबके घर की खटपट जो ना मेरी तरफ आ रही है। सर एक बार अनम्यूट कर दिया ना फिर दोबारा से नहीं हो पाता। तो फिर अपने घर वालों के मुंह पे टेप लगा लें सब अपने अपने। मेरे घर वाले जो ना स्ट्रिक्टली मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए होते हैं जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ। किसी को परमिशन भी नहीं है जरा सी बोलने की। परमिशन कोई बोलता है तो मैं क्लास लगा देता हूँ उसकी। आप भी फॉलो करें यार। कार फ्यूल यूज ऑफ एसेट बेनिफिशियल लोन, वो अलग बात है, घर वाले मानेंगे नहीं, कोशिश करो मान जाए। अच्छा भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट का बड़ा सवाल आएगा ना 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, तो उसके अंदर वो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देगा। कार भी देगा, फ्यूल भी देगा, यूज ऑफ एसेट भी करवाएगा, लोन भी देगा, लिविंग एकोमोडेशन भी होगा, सब कुछ दे देगा आपको। वन बाय वन छोटे छोटे रूल्स समझने ताकि आप आराम से उसकी कैलकुलेशन कर सकें। सही है। तो जो सबसे बेस्ट रूल है, जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेबल रूल है, वो क्या है? कार बेनिफिट। अब केयरफुली कार बेनिफिट्स को समझें आप, कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए गाड़ी दी, कार दी, मोटर कार दी, ठीक है? तो जो मोटर कार उसने प्रोवाइड की है उस मोटर कार के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। सही है। और वो जो टैक्सेबल बेनिफिट्स होंगे, वो टैक्सेबल बेनिफिट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। क्या? आप सबसे पहले लेंगे कार की लिस्ट प्राइस और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? अप्रोप्रिएट परसेंटेज से। अब आप कहेंगे ये लिस्ट प्राइस क्या होती है, ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज क्या होती है, ये कहां से आएगी? तो लिस्ट प्राइस तो आपको पता है ना, लिस्ट प्राइस को तो मैं क्या बताऊं, परचेज प्राइस।
टैग प्राइस, लिस्ट प्राइस, और परसेंटेज जो आएगी ना वो आएगी आपकी, इसको देखकर वो आएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रेट को देख। तो इसका मतलब है एग्जाम में वो आपको आपका कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रेट प्रोवाइड करेगा और आप उसकी बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सही है। तो क्या ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज गिवेन है टेक्स्ट शीट के अंदर, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज एग्जाम में गिवेन होंगी। सही है। किसके लिए? ये आपको बताई जाएंगी पेट्रोल कार और डीजल कार के लिए। कौन सी डीजल कार के लिए? वो डीजल कार जो RDE2 का स्टैंडर्ड मीट कर रही होगी। ये यूरोपियन यूनियन का एक नया लॉ पास हुआ है जिसके अंदर RDE2 का एक स्टैंडर्ड है। वो अगर सवाल में लिखा हुआ होगा मीट हो रहा है नहीं मीट हो रहा है, तो अगर वो मीट हो रहा है स्टैंडर्ड, तो उसके रूल उन्होंने बताए हुए हैं कि अगर गाड़ी का CO2 अप टू 50 ग्राम पर किलोमीटर है, तो आपका पेट्रोल कार और डीजल कार का जो परसेंटेज है वो है 16%। ये टैक्स शीट में गिवन होगा। और अगर आपका ग्राम यहां तक पहुंच जाता है तो रेशियो परसेंटेज 19 हो जाएगा। अगर वो 76 से 94 तक पहुंच गया तो परसेंटेज 22 पे चली जाएगी। अगर वो एग्जैक्ट 95 हो गया तो परसेंटेज चली जाएगी 23 के ऊपर। सही है। और क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। और वो डीजल कार जो के RDE2 नहीं मीट कर रही होंगी उनके लिए 4% एक्स्ट्रा है। उनके लिए क्या होगा? उनके लिए 4% एक्स्ट्रा है, 20%। सही है। 23%, 26% और 27%। ये आपको टैक्स शीट में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 4% एक्स्ट्रा डालेंगे उस डीजल कार के लिए जो RDE2 का स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रही हो। सही है। अब फॉर एग्जांपल किसी के माइंड में ये सवाल आता है कि सर आपने 50 ग्राम से कम और 95 ग्राम तक का तो बता दिया, क्या गाड़ी का CO2 95 पे जाके खत्म हो जाता है क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई, किसने कहा? अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक गाड़ी दी जाती है और उसका CO2 दिया जाता है 115 ग्राम पर किलोमीटर, तो आप उसका अप्रोप्रिएट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? बताएं जी कैसे निकालें, पेट्रोल कार है 95 पे तो सर 23% ही रहेगा। तो देखो मैं एक सॉल्व करता हूँ तरीका। सही है। देखो बेसिक तो आपका होगा अप टू 95 ग्राम, ये तो आपका कितना होगा 23। सही है। उसके बाद आप इसमें एडिशनल में प्लस करेंगे। देखो मैं किस तरह से निकाल रहा हूं, 95 से 115 कितना एक्सिस बनता है 20, इसको 5 से डिवाइड कर दो 4, इसमें ऐड कर दें 27। सही है। रूल क्या है? एन एडिशनल 1% इज एडेड फॉर ईच कंप्लीट 5 ग्राम पर किलोमीटर अबव 95 ग्राम से अगर CO2 ज्यादा हुआ तो हर 5 ग्राम के ऊपर 1% लगेगा। सही है। हर 5 ग्राम के ऊपर 1% लगेगा। तो एक काम करते ना, फॉर एग्जाम्पल 118 हो गया तो उसको क्या कंसिडर करूं मैं, इसको क्या कंसिडर करूं? हर 5 ग्राम कंप्लीट पे 1% लगेगा, तो 118 को मैं 115 ग्राम कंसीडर करूंगा। ये ध्यान में रखें, 116 117 118 119, इन सबको मैं क्या कंसीडर करूंगा, 115 ग्राम पर किलोमीटर को पे ले आऊंगा और फिर कैलकुलेट कर लूंगा। तो फॉर एग्जांपल
CO2 दिया हुआ है मुझे 138 ग्राम पर किलोमीटर, कैलकुलेट अप्रोप्रिएट परसेंटेज कैसे निकलेगी? 135 करेंगे उसको। यस यस, तो बेसिक कितना होगा? बेसिक होगा, बेसिक होगा 95 ग्राम 23% प्लस कितना होगा? प्लस होगा 135 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 5 8 कितना हो गया टोटल? यस 31। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये ले जी, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 198 ग्राम पर किलोमीटर इसका निकालते हैं। तो बेसिक हो गया 23, सही है, प्लस निकाले, प्लस हो गया 195 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 20। दोनों को प्लस करें 43 कितना? 43 सर, 43, लेकिन मैं 43 नहीं लिख रहा, मैं 43 क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। इसके लिए सबके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, इससे ज्यादा परसेंटेज जा नहीं सकती, अलाउड नहीं है। तो अगर 4% ऐड करके 37 से ज्यादा बन रहा है तो फिर हम उसको नहीं करेंगे, 37 ही रखेंगे। 37 ही रखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, 37 ही रखेंगे, सही है। चले परसेंटेज निकालना आ गया, अब आ जाते हैं लिस्ट प्राइस के ऊपर। लिस्ट प्राइस क्या होती है, क्या लिस्ट प्राइस में कोई मॉडिफिकेशन होगी, क्या लिस्ट प्राइस के भी कोई रूल है? इसका आंसर है यस, लिस्ट प्राइस के भी रूल है, सही है। कौन सी लिस्ट प्राइस लेंगे? प्राइस व्हेन कार इज फर्स्ट रजिस्टर्ड, पहली मरतबा कार जब रजिस्टर्ड हुई होगी तो उस वक्त की लिस्ट प्राइस लेंगे, सही है। अच्छा, अगर वेंडर ने कोई एक्चुअल प्राइस पे की है वो नहीं लेंगे, मसलन फॉर एग्जांपल आपकी लिस्ट प्राइस थी 10,000 पाउंड, वेंडर ने प्राइस पे की 9,500 पाउंड, 500 का डिस्काउंट मिला उसे, हम अपनी कैलकुलेशन में क्या लेंगे? हम अपनी कैलकुलेशन में हमेशा ओरिजिनल लिस्ट प्राइस लेंगे, डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करेंगे, सही है। आई थिंक अजान हो रही है शायद। अच्छा जी, अगर हमने गाड़ी में ऐसा होता है ना फरमाइशी प्रोग्राम, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेहरान दी, एम्प्लॉय कह रहा है यार इसको जरा शीशों को ऑटोमेटिक तो करवा दें जरा, और जो उसका वो है स्टेयरिंग है जरा उसको भी आप वो ऑटो करवा दें, जरा पावर स्टेयरिंग करवा दें, पावर विंडो करवा दें। उसने कहा अच्छा चलो एक्सेसरीज लगा देते हैं, सही है। तो जो भी एक्सेसरीज की कॉस्ट होंगी, सही है, वो भी हम इस लिस्ट प्राइस के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि भाई आप भी कुछ पैसा मिला है कार खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर आपको दे रहा है कल्टस, आप कह रहे हैं यार वो सिटी दे दो, उसने कहा भाई वो जो एडिशनल पैसे हैं वो आप मिला दें। तो एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर जो है वो उससे कहता है कॉन्ट्रीब्यूट करो, तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा आपका उस 5,000 से ज्यादा डिडक्ट नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम है,
अगर इम्प्लॉई 5,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो लिस्ट वाइज में हम मैक्सिमम 5,000 डिडक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते, सही है। तो जब कार का बेनिफिट निकालने जाएंगे तो उस कार के बेनिफिट के अंदर हमें लिस्ट प्राइस और अप्रोप्रिएट परसेंटेज को कंसिडर करना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, समझे जरा उस एग्जाम्पल को। अच्छा जी, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि आपको लिस्ट प्राइस चाहिए एडजस्टेड, और आपको चाहिए उसके अगेंस्ट क्या चाहिए, अप्रोप्रिएट परसेंटेज बेस्ड ऑन CO2। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं अप्रोप्रिएट परसेंटेज निकाल लेता हूं। तो अप्रोप्रिएट परसेंटेज के लिए मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी कार है, पेट्रोल कार, CO2 कितना है, 141 ग्राम पर किलोमीटर। तो मैं अब इसकी बेसिस के ऊपर निकालता हूं अप्रोप्रिएट परसेंटेज। तो ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज आपको वर्किंग में शो करके दिखानी पड़ेगी। बेसिक कितनी है, 95 ग्राम की, 23% और प्लस कितना होगा, प्लस होगा 140 माइनस 95 दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 9 यस सर, कितना हो गया 32 मैक्सिमम से तो कम है ना, तो ऑल अलाउड, सही है। अच्छा लिस्ट प्राइस क्या होगी, लिस्ट प्राइस एडजस्टेड क्या होगी, लिस्ट प्राइस गिवन कितनी है, लिस्ट प्राइस गिवन है 8,200 और आपका उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है 1500। तो लिस्ट प्राइस एडजस्टेड कितनी होगी, 67। सही है जी। तो कार का जो बेनिफिट निकलेगा, वो क्या होगा, टैक्सेबल बेनिफिट होगा आपका 6700 मल्टीप्लाई बाय 32% आंसर 2144 ये हो गया आपका आंसर, सही है। अच्छा एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग कि ये जो गाड़ी थी वो डीजल कार थी, और कौन सी डीजल कार थी, आरडी, जो के स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही, अब क्या होगा, तो आपकी जो अप्रोप्रिएट परसेंटेज होगी उसमें 4% का इजाफा कर देंगे, क्या 4% अलाउड है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा अब टैक्सेबल बेनिफिट क्या होगा, 2412 6700 इनटू 36% आंसर 2412। अच्छा यानी कि जितना पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं ना उतना टैक्स की परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, तो जितनी कम इमिशन वाली गाड़ी खरीदेंगे उतना कम टैक्स देना पड़ेगा, जितनी हाई इमिशन वाली गाड़ी खरीदेंगे उतना टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा बाज दफा क्या होता है कि हमें टाइम अपोर्शनमेंट करना पड़ता है. टाइम अपोर्शनमेंट कब करते हैं? टाइम पीरियड के हिसाब से. जब गाड़ी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर प्रोवाइड की जाए. फॉर एग्जांपल कार वाज प्रोवाइडेड, ऊपर वाली एग्जांपल में कार वाज प्रोवाइडेड ऑन 6th August 2019. अब क्या करेंगे? तो हम काउंट करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. कितने महीने हुए? आठ महीने. सही है या नौ महीने हुए? आठ महीने हुए ना. आठ महीने हुए तो टैक्सेबल बेनिफिट कैसे निकलेगा? टैक्सेबल बेनिफिट निकलेगा लिस्ट प्राइस एडजस्टेड, अपनी जगह रहेगी. अप्रोप्रिएट परसेंटेज अपनी जगह रहेगी, डीजल या पेट्रोल वाली. और जो आंसर आएगा उसको आप कर देंगे 8/12. वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है. एम्प्लॉयमेंट के पूरे टॉपिक में आपको ये डेट चेक करनी जरूर पड़ेगी कि बेनिफिट फुल ईयर में मिला या बेनिफिट पार्ट ऑफ द ईयर में मिला. अपोर्शनमेंट का स्टूडेंट को ख्याल रखना पड़ता है. सही है जी. अच्छा बाद दफा क्या होता है कि आप साल के दौरान गाड़ी चेंज कर लेते हैं, मसलन प्रमोशन हो गया एक बंदे का, तो उसको 6 अप्रैल को एक गाड़ी दी गई थी कार वन, फिर उसको 6 जुलाई को वो गाड़ी उससे ले ली गई और उसको एक और गाड़ी दे दी गई कार टू. कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा? तो हम सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे फॉर ईच कार. सही है जी. अच्छा बाज दफा क्या होता है कार किसी वजह से इस्तेमाल नहीं हो रही होती, तो क्या पूरे साल का टैक्सेबल बेनिफिट लेंगे? गाड़ी इस्तेमाल नहीं हो रही, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कार. तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि बिफोर और आफ्टर गाड़ी इस्तेमाल में थी. मसलन रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चली गई 10 दिन के लिए, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो होता है. तो अगर आपका पीरियड 30 दिन से ज्यादा अनअवेलेबल हुआ, सही है, तो कंसीडर किया जाएगा कि टाइम शॉर्ट करना है. अगर 30 दिन के अंदर अंदर अनअवेलेबल हुई तो उसको कंसीडर करेंगे जैसे अवेलेबल थी. सही है. मसलन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2 महीने के लिए गाड़ी आपके पास नहीं है, तो अब आप बेनिफिट 10/12 लेंगे. लेकिन गाड़ी अगर 2 दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए गई है तो उस 2 दिन को आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप समझेंगे गाड़ी इस्तेमाल में हो रही है. सही. तो जब तक 30 डेज कंसिस्टेंटली एब्सेंस नहीं होगी आप उस पीरियड को रिड्यूस नहीं करेंगे. अगर कार के साथ ड्राइवर दिया गया तो ड्राइवर का जो बेनिफिट है उसको क्या किया जाए? क्या वो कार के अंदर कवर हो जाएगा? तो हम उसको एक सेपरेट बेनिफिट कंसीडर करेंगे. सही है? अच्छा कार के साथ जो उसका जो कार बेनिफिट के साथ जो उसका टैक्स वगैरह का बेनिफिट होता है वो उसको कवर कर लेता है. कार बेनिफिट्स जो आप दे रहे हैं टैक्स वालों को, वो उसके रनिंग एक्सपेंसेस को भी कंसिडर कर लिया उसने, टैक्स वालों ने. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई रनिंग एक्सपेंसेस पे किए, रनिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंश्योरेंस पे किया, मेंटेनेंस पे किया, सही है, तो उसको सेपरेट बेनिफिट कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आप वो कार के अंदर दे चुके. सही है.
उसको सेपरेट बेनिफिट कंसीडर नहीं किया जाएगा सवाल में, हम उसको इग्नोर कर देंगे। अब एक मसला आता है, एक कार होती है जिसको कहा जाता है पूल कार, एग्जाम्पल समझने के लिए इस तरह से समझ लो कि अलहमद वालों ने अपने प्रीमिसेस में गाड़ी खरीदी भी है और वो गाड़ी एडमिन का स्टाफ भी इस्तेमाल कर रहा है, टीचर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो तो वो प्राइवेट यूज के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, बिजनेस यूज के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टाफ, एक से ज्यादा इम्प्लॉई एक गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा है और वो अपने घर पर भी उसको लेके नहीं जाता, रात को खड़ी भी कर नहीं सकता, तो उस कार को कहा जाएगा कि ये पूल कार है, ये पूल कार है, सब इस्तेमाल करता है। तो अगर एक कार पूल कार की कैटेगरी के अंदर आ गई तो उस पूल कार को एग्जेम्प्ट बेनिफिट के अंदर डालते हैं, नो टैक्सेबल बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज। इंप्लॉई अगर एक पूल कार को इस्तेमाल कर रहा है ना, तो उसको टैक्स अथॉरिटी टैक्स माफ कर देती है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पूल कार के अंदर कौन सी कार्स आएंगी, उसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो पूल कार के अंदर आएगी। इसको थ्योरी के ऊपर सवाल आ सकता है कि जी पूल कार की कंडीशंस बताएं, सही है? पहली कंडीशन, कार मस्ट बी यूज बाय मोर देन वन एम्प्लॉय साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि मुझे मेहरान दी थी फिर मुझसे नाराज हो गए तो मेहरान उठा के सर काइजोर को दे दी, वो नहीं। कार एक वक्त में एक से ज्यादा इंप्लॉई अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कार क्या कहलाएगी, वो कार कहलाएगी पूल कार, ठीक है? अगर एक पूल कार होगी ना तो वो आपने घर के बाहर भी खड़ी करने की आपको इजाजत नहीं होगी। क्योंकि वो पूल कार है तो वो आपको इस्तेमाल करने के लिए कोई दी हुई है, वो तो कंपनी की कार है, उसकी निशानी है ये, ठीक है? ना अलहम में वो बंदा कौन है यार, अपना प्यून का जो हेड है, क्या नाम है उसका, शहजाद भाई, बस अलहम ने एक गाड़ी रखी हुई है, शहजाद को कहा कि यार एक काम करें भाई, वो एक काम करो अलहम पीसीएचएस कैंपस चले जाओ और ये फाइलें वहां पे देकर आ जाओ। तो फाइलें देने जा रहा था, रास्ते में बिजली का बिल जमा करवाना था अपने घर का, उसने गाड़ी रोकी, बिजली का बिल भी जमा करवा दिया। तो ये शहजाद ने गाड़ी को प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन क्यों इस्तेमाल किया, वो बिजनेस के साथ ही कनेक्टेड है, वो सेपरेट प्राइवेट यूज नहीं है, सही है? क्योंकि वो बिजनेस के अंदर काम कर रहा है। हाँ, प्राइवेट यूज ऐसा होता है कि शाम को 5 बजे के बाद वो गाड़ी आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फिर वो एक सेपरेट प्राइवेट यूज होगा, फिर वो पूल कार की डेफिनेशन के अंदर नहीं फॉलो होंगे। तो ये तमाम कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वो कार क्या कहलाएगी, वो कार कहलाएगी पूल कार, एंड पूल कार इज एन एग्जेम्प्ट बेनिफिट, थ्योरी में आ सकता है, याद कर लेना, टीएक्सी थ्योरी ऐसी ही आती है, सही है जी? ये कार का रूल हो गया हमारा डन, हमेशा आता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाए जनाब कि अगर गाड़ी मिलती है तो फ्यूल भी मिलता है, फ्यूल फॉर प्राइवेट यूज। इसका टैक्सेबल बेनिफिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टैक्सेबल बेनिफिट कैसे निकलेगा, इसकी एक बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे अप्रोप्रिएट परसेंटेज से,
और ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज कौन सी होगी, वही कार वाली जो हमने कार पे निकाली होगी सेम CO2 की बेसिस के ऊपर, ठीक है। ये बेस वैल्यू कहां से आएगी, जो एम्प्लॉयर ने आपको फ्यूल दिया है उसका इस कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये बेस वैल्यू 2019 और 20 के लिए फिक्स्ड है और ये आपको एग्जाम में टैक्स शीट में प्रोवाइड की जाएगी, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, ये आपको टैक्स शीट में दी जाएगी, सही है। और CO2 जो आप निकालेंगे वो निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CO2 की बेसिस के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे। टाइम अपोर्शनमेंट का ख्याल रखना है, टाइम अपोर्शनमेंट वेयर नेसेसरी, अच्छा एक चीज कार में मेरे जहन से निकल गई थी और वो है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टुवर्ड्स द यूज ऑफ द कार, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टुवर्ड्स द यूज ऑफ द कार, वो मैं फ्यूल में कवर कर लूंगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए is an employee of XYZ PLC. He was provided a petrol car on 6th April 19. की लिस्ट प्राइस थी 15,000 pounds, बल्कि ज्यादा कर देते, उसकी लिस्ट प्राइस थी 45,000 pounds, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया उसने, कोशिश कर रहा हूं सब कुछ आ जाए इसके अंदर, 8,000 pounds, CO2 था उसका 243 gram per kilometer, contribution by employee towards the use of the car confused नहीं होना, दो तरह के contribution होते हैं, एक वो contribution होता है जो car खरीदने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं capital contribution, और एक कार चलाने के लिए किया जाता है उसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूज ऑफ द कार या रनिंग ऑफ द कार, सही है। अच्छा फ्यूल उसने कितना प्रोवाइड किया इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। बेनिफिट्स दिए मैं इसके अंदर, एक कार बेनिफिट है और एक फ्यूल बेनिफिट है, सही है, कार बेनिफिट फ्यूल बेनिफिट, तो हम दोनों की अलग अलग वर्किंग कर लेते हैं कार बेनिफिट एंड फ्यूल बेनिफिट की। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, अप्रोप्रिएट परसेंटेज निकालेंगे जो कि मुझे कार में भी काम आएगी और परसेंटेज वो जो कि मुझे फ्यूल में भी काम आएगी, ठीक है। तो CO2 कितना था, CO2 मुझे दिया हुआ था 243 ग्राम पर किलोमीटर, गाड़ी है पेट्रोल कार, 243 ग्राम पर किलोमीटर, तो अब मुझे वर्किंग में करना है इसकी बेसिक कितना होगा, इसका बेसिक है 23, इसका प्लस वाला एलिमेंट कितना होगा 240 माइनस 95 डिवाइडेड बाय हाउ मच 5, कितना होगा 29 ना? नहीं लिखेंगे तो कितना होगा टोटल 29, लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उसको किसके ऊपर 37% पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्टेड 37%, सही है। अब इसकी लिस्ट प्राइस निकाल लें, इसकी लिस्ट प्राइस जो हमें दी हुई है सवाल के अंदर वो लिस्ट प्राइस हमें दी हुई है 45,000,
तो लिस्ट प्राइस जो हमें गिवन दी हुई है वो है 45,000, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इससे से माइनस कर देते हैं, 8,000 दिया हुआ है ना? यस सर, 47 आएगा। तो लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो रिस्ट्रिक्टेड है ना भाई? यस सर। तो इसका मतलब है गाड़ी की लिस्ट प्राइस क्या होगी? 40,000। यस सर। और टैक्सेबल बेनिफिट क्या हो जाएगा? 148। टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 37% इज इक्वल टू 14,800। यस सर। अब देखो रनिंग कॉस्ट भी तो थी ना, कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट रनिंग कॉस्ट, वो कितना था? 500 का। वो कैसे एडजस्ट करेंगे? माइनस कर देंगे शायद। वो टैक्सेबल में से माइनस करेंगे। वो किस में से माइनस करेंगे? बेनिफिट में। और उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। 143। This is taxable benefit against car. Car का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट का सवाल बने और उसमें कार ना हो, लीस्ट लाइकली 99% हमेशा वो कार जरूर देता है, फ्यूल जरूर देता है, इसलिए इसके ऊपर वर्किंग करना बहुत जरूरी है। फ्यूल बेनिफिट, बेस प्राइस क्या है? अप्रोप्रिएट परसेंटेज कितनी है? 8917। टोटल बेनिफिट्स कितने हुए? 14300 प्लस 8917 आंसर 23217। ये जी आपका कार और फ्यूल की वर्किंग हो गई। अच्छा बाज दफा ऐसा होता है के फ्यूल के अगेंस्ट एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा है, व्हाट टू डू नाउ? टैक्सेबल अमाउंट होगा ना, एम्प्लॉय कर रहा है, क्या उसको हम कंट्रीब्यूशन समझे? बेनिफिट है ना सर। मसलन फ्यूल प्रोवाइड किया गया 585 पाउंड का, सही है? एम्प्लॉय ने पेमेंट की 200 पाउंड की, व्हाट टू डू? सो इसका रूल ये है नो रिडक्शन इज अलाउड, कोई रिडक्शन नहीं करेंगे। Unless full amount is paid, मसलन employer ने आपका fuel दिया 585 का, आपने 585 return कर दिया, सही है? अगर आपने full amount pay कर दिया तो फिर taxable benefit किस चीज का? टैक्सेबल बेनिफिट भी नहीं होगा, सही है? और ये जो रिडक्शन वाला एलिमेंट है ना, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है फ्यूल के लिए। दूसरी जगह पर जब आप कोई बेनिफिट रिटर्न करते हैं ना, तो उसको रिडक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सही है जी। तो ये कार के और फ्यूल बेनिफिट के पूरे रूल्स हमने डन कर लिए, ठीक है? याद रखने सारे रूल्स, और उसके बाद उसकी पास्ट पेपर में से लॉन्ग क्वेश्चन में से हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि गाड़ी नहीं दी जाती, मोटर कार नहीं दी जाती, एक बड़ी गाड़ी दे दी जाती है जिसको हम कहते हैं वैन बेनिफिट्स, जिसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो वैन बेनिफिट्स जो होते हैं वो कार बेनिफिट से डिफरेंट है। इसका जो टैक्सेबल बेनिफिट होता है, सर एक आवर इंक्रीज कर दें, सब अप्रिशिएट हैं इस बात पे। अब्दुल समद यार तुम तफरी कर रहे हो, मुझे पता है तुम लोग कितना अप्रिशिएट हो।
और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा, बहुत सारे काम करने वाले। इसका जो वैन बेनिफिट है इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ये आपको फिक्स्ड है 2019 एंड 20 के लिए, और 2019 और 20 के लिए आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ये टैक्स शीट के अंदर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और इस साल के लिए ये है 3430 पर एनम। जहां टाइम अपोर्शनमेंट की जरूरत पड़े वहां पर टाइम अपोर्शन कर देना। सही है, 3430 याद करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर वैन बेनिफिट्स के साथ जो है वो आपको फ्यूल भी दिया गया तो फ्यूल का जो टैक्सेबल बेनिफिट होगा वो भी फिक्स्ड है, वो भी रटना पड़ेगा, और वो इस साल के लिए है 655 पर एनम। पर एनम जहाँ लिखूंगा ना तो मतलब समझ जाओ कि जहाँ पर एनम लिखूंगा तो टाइम अपोर्शनमेंट आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए कि ये पर एनम का मतलब है कि टाइम अपोर्शनमेंट। सही है, तो कार की अप्रोप्रिएट परसेंटेज फ्यूल का बेस प्राइस ये तो गिवन होगा, लेकिन वैन का बेनिफिट और वैन का टैक्सेबल फ्यूल बेनिफिट ये आपको गिवन नहीं होगा, ये आपको एग्जाम में रट्टा मारना पड़ेगा। तो ये हमारा कार हो गया, फ्यूल हो गया और वैन बेनिफिट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हम एक और बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसको कहा जाता है बेनिफिशियल लोन। अक्सर देखो क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है। सही है, मसलन एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया और उसका इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहा है एम्प्लॉय से 4% पर एनम। क्या ये बेनिफिशियल लोन है? बेनिफिशियल लोन की डेफिनेशन ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है लोन पर, वो इंटरेस्ट रेट इज बिलो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। किससे कम होना चाहिए? वो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होना चाहिए। अब आप कहेंगे ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से आएगा? तो ये ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें टैक्स अथॉरिटी ने बताया है 2019 एंड 20 के लिए, ये ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 2.5% पर एनम। ये आपको गिवन होगा टैक्स शीट के अंदर, ये भी याद नहीं रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है, फॉर एग्जाम्पल लोन ऑफ 40,000 पाउंड वॉज गिवन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 2%, इज इट अ बेनिफिशियल लोन? क्या ये बेनिफिशियल लोन है? तो आंसर होगा यस। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 2.5% या 2.5% से कम हुआ तो आपका जो लोन है वो बेनिफिशियल लोन कंसिडर किया जाएगा। बाज दफा इंटरेस्ट फ्री ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन। सो अगर इंटरेस्ट फ्री लोन हुआ तब भी वो बेनिफिशियल लोन में काउंट होगा। ठीक है, अच्छा बेनिफिशियल लोन के लिए जरूरी है, सही है, कि वो स्मॉल लोन ना हो। अगर स्मॉल लोन की कैटेगरी में आ गया, स्मॉल लोन की कैटेगरी के अंदर आ गया तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। स्मॉल लोन क्या है? वो एग्जेम्प्ट बेनिफिट की कैटेगरी के अंदर आता है।
अब स्मॉल लोन की डेफिनेशन क्या है? दस हजार से कम हो या दस हजार हो, दस हजार से कम हो अगर एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को लोन देता है और वो दस हजार या दस हजार से कम होता है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? उसको हम कंसिडर करेंगे स्मॉल लोन, और स्मॉल लोन पे हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे कि ये एग्जेम्प्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है, उसका इंटरेस्ट रेट चेक किया, उसका अमाउंट चेक किया, दस हजार से ज्यादा है तो हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे टैक्सेबल बेनिफिट की। टैक्सेबल बेनिफिट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। टैक्सेबल बेनिफिट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक को कहा जाता है प्रीसाइज मेथड या एक्चुअल मेथड। और दूसरे को कहा जाता है एवरेज मेथड। ये दो मेथड है हमें कवर करने, एक प्रिसाइज मेथड और एवरेज मेथड। इसको सिंपल मेथड भी कहा जाता है और एवरेज मेथड भी कहा जाता है। दोनों से कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, अगर सवाल में वो लिख दे कि आप एवरेज मेथड से निकालो तो फिर हम उसकी बात मानेंगे और एवरेज मेथड से कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों मेथड से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर एवरेज मेथड से मुझे बेनिफिशियल लोन की कैलकुलेशन करनी है तो वो इस तरह से होगी। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ऑफिशियल रेट के हिसाब से। कैसे कैलकुलेट करूंगा? पहले एवरेज लोन निकालूंगा और उस एवरेज लोन को मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अमाउंट आया, फिर जो मैंने एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया है वो डिडक्ट कर दूंगा, ऑब्वियसली वो इससे कम होगा। और ये जो एक्सिस आएगा, ये एक्सिस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टैक्सेबल बेनिफिट अगेंस्ट बेनिफिशियल लोन। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने का फॉर्मूला, लोन एट स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब है 6 अप्रैल, प्लस लोन एट एंड, लोन एट एंड का मतलब है ईयर एंड के ऊपर टैक्स ईयर में, और डिवाइडेड बाय 2। इससे आपके पास आ जाएगा एवरेज लोन, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि इतना इंटरेस्ट टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से बनता है, जितना आपने इंटरेस्ट दिया वो आप इसमें से ऑफसेट कर दें, और किस्सा तमाम। एमसीक्यूज में आता है इस तरह से, टैक्सेबल बेनिफिट निकालें यूजिंग एवरेज मेथड। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट आता है 2 से 3 नंबर की वर्किंग का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम एवरेज लोन निकाल लेते हैं। तो एवरेज लोन कितना हुआ? 6 अप्रैल के ऊपर हमारे पास लोन कितना था? 50,000 लोन एट स्टार्ट। बीच में हमने 10,000 वापस कर दिए तो एंड में लोन कितना हो गया? 40,000 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा एवरेज लोन कितना हो गया? 45,000। अब टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से ऑफिशियल जो वर्किंग होगी, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, इसका आंसर निकालें।
45,000 multiplied by 0.0025, right? 1125. ये इंटरेस्ट बनता है टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से. हमने इंटरेस्ट दिया कितना है एक्चुअली, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो हमने लोन लिया था 1 जनवरी 19 को, तो इस साल टैक्स ईयर में 6 अप्रैल 19 से 6 अगस्त 19 तक लोन था 50,000. तो हमने 50,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, 1% देना है मल्टीप्लाई बाय अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. कितना बनते हैं 6 अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बनते ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 महीने. रिमेनिंग 40,000 पे हमने कितना इंटरेस्ट दिया होगा, 1% इंटू 8/12, इन दोनों के अमाउंट बताओ. इसका आ गया 167 और इसका आ गया 267. तो ये टोटल बन गया आपका 267 प्लस 167 434. ये हमने पे किया तो हमें कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, हमारा टैक्सेबल बेनिफिट हो गया दोनों का डिफरेंस. टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है 1125, हमने पे किया 434, तो हमें 691 पर टैक्स देना है. ये हमारी इंप्लॉयमेंट इनकम के अंदर चला जाएगा 691. प्रिसाइज मेथड नहीं है ये, एवरेज मेथड है, तो एवरेज मेथड की बेसिस के ऊपर ये हमने कैलकुलेशन कर ली. यहां तक क्लियर है? तो मैं भी एक्चुअल मेथड करवा देता हूँ, प्रिसाइज मेथड, और उसके बाद हमारी आज की सिटिंग हो जाएगी डन. जी मुझे लगता है आज अब्दुल समद फुल फॉर्म में, बाकी सब आराम कर रहे हैं. प्रीसाइज मेथड, इसी सवाल को अगर मैं प्रीसाइज मेथड से कर दूं, तो प्रीसाइज मेथड में हम जो कैलकुलेशन करने जाएंगे तो एचएमआरसी की जो कैलकुलेशन होगी ना, अब वो एवरेज लोन पे नहीं होगी. इंटरेस्ट एज पर एचएमआरसी वो भी हम एक्चुअल बेसिस के ऊपर निकालेंगे. कैसे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5% मल्टीप्लाई बाय 4/12, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5% मल्टीप्लाई बाय 8/12. पहले ये निकाल लें, ये एचएमआरसी का एक्चुअल बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट, टाइम बेसिस के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.025 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बनता है 417. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. 40,000 इंटू 0.025 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बनता है 667 प्लस 416 1083 का बनता है. हाँ चला गया यार, 417 1083, सही है. अब इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेड. अच्छा वो जो इंटरेस्ट पेड हम माइनस करेंगे ऊपर वाला ही होगा, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. 434 वो 434 उठाकर हमने इसमें से माइनस कर दिया. तो आपके पास इस सिचुएशन में जो आंसर आना है वो आंसर आना है 1083 माइनस 434, 649. ये आ गया टैक्सेबल बेनिफिट. अब इन दोनों को कंपेयर करो, किसमें टैक्सेबल बेनिफिट ज्यादा है, 691 649 691. तो एवरेज मेथड के हिसाब से आंसर ज्यादा है, तो एवरेज मेथड कौन प्रेफर करेगा, एवरेज मेथड प्रेफर करेगा एचएमआरसी. और क्लाइंट टैक्स पेयर कौन सा मेथड प्रेफर करेगा, टैक्स पेयर कहेगा प्रीसाइज मेथड हमारी एग्जांपल के अंदर, सही है.
तो या तो एचएमआरसी चूज कर लेगा या टैक्स पेयर चूज कर लेगा कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी, चले आज के लिए हमारा टाइम हो गया फिनिश, तो हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।